नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नए करियर में। दोस्तों, आपकी Instagram ID कौन कौन यूज़ कर रहा है, किस किस मोबाइल फ़ोन में चल रही है इस वक्त लाइव, आप सभी किस प्रकार से पता कर सकते हैं और उन सभी मोबाइल में से अपनी ID को किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, इसकी सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर विजिट करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लाइन दिखती है, आपको सिंपली इस लाइन पर क्लिक करना होगा। इस लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा अकाउंट सेंटर्स का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज़ पर। आपको सिंपली इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू आर लॉग इन, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं आपकी आईडी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर जो है अपनी आईडी पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी आईडी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आपका जो यूज़र आईडी है, कौन कौन से मोबाइल में यूज हो रहा है, सबका नाम आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। नीचे फर्स्ट वाला तो आपको आपका डिवाइस का नाम देगा, उसके बाद जो इतना भी नीचे आएगा ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये इस लिस्ट में जितने भी डिवाइस आपको दिखाएंगे ये सभी आपके मोबाइल से लॉगिन होंगे। मेरी आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल एक और मोबाइल में अभी लॉगिन किया हुआ है। ये मैंने इसलिए लॉगिन किया है आपको वीडियो में बता सकूँ कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन यूज कर रहा है। तो यहाँ देखिए सेकेंड मोबाइल जो है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इन्फिनिक्स हॉट 11 दिया हुआ है। अब आप इस डिवाइस को लॉग आउट करना चाहते हैं, जो भी अननोन डिवाइस आपके अलावा यहाँ पे आपके आईडी को यूज़ कर रहे हैं उसको आप लॉग आउट किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे वही डिवाइस लॉग आउट होगा। आप सिंपली यहाँ पर दोस्तों सभी से हटाना चाहेंगे तो, अगर काफ़ी डिवाइसेस में लॉगिन है तो आप सबसे हटाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको सेलेक्ट ऑल का ऊपर एक बटन मिलेगा, आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सारे डिवाइसेस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी आपकी आईडी को यूज कर रहे होंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर लॉग आउट बटन मिलेगा, आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉग आउट वाले बटन पर क्लिक करेंगे एक कंफर्मेशन पूछेगा, इस पर आप यहाँ पे लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ सेकंड लेगा और उसके बाद जितने भी आपके डिवाइसेस आपकी आईडी को यूज कर रहे थे सब आप लॉग आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपकी यहाँ पर डिवाइस में ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी डिवाइसेस में चेक कर सकते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी कौन कौन यूज कर रहा है और उनको इसी प्रकार से लॉग आउट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।